भाई और बहनों, आप सबको मेरा सलाम। जैसे आपको पता है, आज शहीद शाहनवाज भुट्टो की सालगिरह है। हर साल हम ये सालगिरह मनाते हैं, न सिर्फ शहीद शाहनवाज की मगर हमारे सब शहीदों की सालगिरह और बरसी जब भी आती है हम उसको सालगिरह को मनाते हैं और बरसी के मौके पे भी शहीद को याद करते हैं। जब भी इस मौके पे हम मिलते हैं मुझे एक ख्याल जहन में आता है, कि सरकारी पीपल्स पार्टी वाले कितने बेगैरत हैं। तो बेगैरत क्यों? बेगैरत सिर्फ एक वजह से नहीं, जब उनके चमचों को आप देखो, जब उनके चमचों को और कोई मिलता नहीं है, और कोई मौकफ नहीं मिलता, और कोई बात नहीं आती, तो कहते हैं कि भाई मोहतरमा की तो इतनी कुर्बानियां थी, इनकी क्या कुर्बानी है, इनकी क्या कुर्बानी है। तो कुर्बानी आपके सामने है, शहीद की कुर्बानी, शाहनवाज की कुर्बानी आप देखो। आप अगर हम शुरू कर दें, शहीदों का नाम शुरू कर दें, लाला असद से, लाला असलम से शुरू करें, लाला असद की चाहे अली हंगोरों तक पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी, इतने हमारे शहीद है। मगर चैलेंज से मैं पूछता हूं, सरकारी पार्टी आप एक अपना शहीद का नाम दो, सिर्फ एक नाम बताओ आपका, कौन शहीद हुआ जिया के दौर में। MRD के भी जो लोग शहीद हुए वो हमारे लोग थे, जिनको फांसी लगी वो हमारे लोग। मगर जिस तरह बात करते हैं कि भाई इनकी क्या 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 कुर्बानी है, क्या कर, ओ बाबा ठेका आपने नहीं लिया है कुर्बानियों का। अगर किसी ने लिया है तो शहीद भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ठेका लिया हुआ है कुर्बानियों का। सिर्फ 70 क्लिफ्टन में बैठ के हाउस अरेस्ट, 70 क्लिफ्टन की एयर कंडीशन बंगलों में बैठ के कुर्बानी कुर्बानी आपने इस तरह कुर्बानियों की बात की है कि ये तो कोई कुर्बानी नहीं है। दुआ पढ़ना कोई ये जाके मजारों पे दुआ पढ़ना ये कुर्बानी है। जद्दोजहद की है, जद्दोजहद की है तो मैंने और मेरे साथियों ने की है, शहीद शाहनवाज भुट्टो ने की है, लाला असलम ने की है, लाला असद ने की है, अली हिंगोरों ने की है। एक तरफ से बात करते हैं अपने कुर्बानियों की बात करते हैं, कुर्बानी के बाद अगर कुर्बानी दी, कुर्बानी अगर नहीं दी है, अगर जदोजहद की है, किसने कोड़े खाए, किसने तशद्दुद बर्दाश्त किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने बर्दाश्त की कोड़े, पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने तशद्दुद बर्दाश्त किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखलिस कारकुनों ने कुर्बानियां उठाई, कहा ये कारकुन, ये सब इधर बैठे हुए, मेरे सामने बैठे हुए, हमारे पार्टी में बैठे आप है वो लोग, आप है वो लोग जिन्होंने कुर्बानी दी। मेरे सब कुर्बानी देने वाले, सब मेरे सामने बैठे हुए, इधर बैठे हुए, आपके पास कौन है? आपके पास सिर्फ मुफाद परस्त है, आपके पास सिर्फ मुफाद परस्त लोग बैठे हुए, आपके पास सिर्फ डाकू बैठे हुए, आपके सिर्फ शहीद के कातिल बैठे हुए। आप पूछते हो काम क्यों नहीं हुआ, हमारा काम क्यों नहीं हो रहा? महंगाई इतनी बढ़ गई है, अली बात कर रहा था कि 6 रुपए पहले आलू होता था, अभी 16 रुपए, भिंडी 18 रुपए, अभी 40 रुपए, खातीन बैठी उनको पता होगा बेहतर। मगर बात यह कि क्यों आपकी परवाह क्यों नहीं की जाती? साथ साथ में मखदूम खलीक ने भी कहा कि फलाना भी जिया के साथ था, फलाना भी शहीद के कत्ल में मुलावज था। बात बिल्कुल सही है, मगर मैं एक और बात करता हूं, डिप्लोमेसी का वक्त खत्म हो गया है, ये कातिलों को अगर साथ रखा है तो ये शहीद के खून पे धोखेबाजी की है, शहीद के खून पे गद्दारी की है, जिन्होंने शहीद के कातिलों को अपने साथ बिठाया। एक तरफ से शहीद के कातिलों को बिठाते हैं अपने साथ और शहीद के कारकुनों को जेल में, शहीद के कातिलों को अपने साथ बिठाया है और शहीद के शहीद बेटे को कहते हैं दहशतगर्द है, शहीद के कातिलों को पार्टी में बिठाया हुआ है, शहीद की बेवा को पार्टी से निकाल दिया, शहीद के घर तक माफ नहीं किया, शहीद के घर अल मुर्तजा पे फायरिंग की। फिर आप कहते हो हमारे काम क्यों नहीं हो रहे,
हमारे लिए तवज्जो क्यों नहीं? टाइम टाइम वक्त कहाँ है? वक्त इन लोगों के पास, अगर वक्त होता शहीद के केस को तो शुरू करते वापस, शहीद के अदालत में उनके तारीख के लिए नाम तो साफ करते, उनके पास टाइम नहीं है इस चीज के लिए। जो हुकूमत आती है शहीद के वोट लेके आती है, उनका अवलीन फर्ज बनता है, पहला पहला फर्ज बनता है कि वो शहीद का नाम साफ करे अदालतों में, तारीख के लिए नाम साफ करे, उनके पास टाइम नहीं है। आपके पहते हो हमारे पास, हमारे काम के लिए टाइम क्यों नहीं है? तवज्जो नहीं देते हमारे, हमारे जिन्होंने वफादारी शहीद के खून के साथ नहीं की, जिन्होंने वफादारी शहीद के शहीद बेटे शाहनवाज के साथ नहीं की, जिन्होंने वफादारी शहीद की बेवा से नहीं की, जिन्होंने वफादारी शहीद के घर से नहीं की, मेरे गरीब साथियों वो आपसे क्या वफादारी करेंगे? सिर्फ हुकूमत लूट के लिए, और कोई मकसद नहीं है इनका। बाकी दुनिया में हुकूमत मिलती है एक मकसद के लिए, एक प्रोग्राम होता है कि बाबा आप हमें हुकूमत दो, आप हमें ये वोट दो, हम इस तरह आपका तालीमी सिलसिला ठीक करेंगे, हम इस तरह आपके दवाई का सिलसिला ठीक करेंगे, इस तरह आपको नौकरियां देंगे, इस तरह आपको कीमतें कम करेंगे। तो हुकूमत तो एक 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 मकसद के लिए लिया जाता है। इधर हुकूमत किस मकसद का? अगर आपने चेयरमैन शहीद का केस अभी तक नहीं खोला, चलो आप नहीं कर सकते हो, बाकी कोई इनका कोई मकसद नहीं है हुकूमत, कोई कोई किसी मकसद के लिए, सिर्फ एक मकसद है, सिर्फ एक मकसद है हुकूमत का, लूट खाना। जो चीज आप देखो, चावल मुल्क का चावल हड़प, गंदम हड़प, ज़कात उशर पे हड़प, एक और पेट भरता नहीं है, पेट भरता नहीं है इनका, पेट भरता नहीं है। पानी लिया, पानी पे मैं आता हूं अभी। एक मौलाना था, एक आपको पता है मोहतरमा तस्बीह उठाती है, तस्बीह उठाती है, तो एक मौलाना ने पूछा, बीवी आप ये तस्बीह पे आप क्या पढ़ती हो? तो उन्होंने कहा कि मैं आयतुल कुर्सी पढ़ती हूं। तो मौलाना ने कहा कि ये आयतुल कुर्सी तो बहुत लंबी आयत है, आप किस तरह इतना जल्दी जल्दी आप तस्बीह चला रहे हो? तो उन्होंने कहा मैंने आयतुल कुर्सी को मुख्तसर कर दिया, शॉर्ट कर दिया। उन्होंने पूछा आपने, उन्होंने पूछा आपने किस तरह शॉर्ट किया है? कहती है अभी मैं पढ़ती हूं कुर्सी 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 कुर्सी। तो हुकूमत, हुकूमत किस काम के लिए, हुकूमत किस काम के लिए? पानी लियारी में पानी नहीं है, लियारी में पानी नहीं है बाबा, लियारी कुछ लियारी में पानी नहीं है। आधी गलती आप लोगों की है, आधी गलती ख्वातीनों की है। पिछले जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे, ख्वातीनों ने आके हमारे जलसों के सामने कहा न मीर न न पीर बेनजीर बेनजीर, तोबा करो, अभी तोबा करो, तोबा करो, तोबा करो, तोबा करो, तोबा करो। फिर इंशाल्लाह अगली दफा सही तरह वोट दो, इंशाल्लाह अगली तरह दफा सही तरह वोट दो। मैं आपसे वादा करता हूं 3 महीने के अंदर अंदर हर घर में नलके का पानी, साफ पानी होगा 3 महीने के अंदर अंदर। गलती नहीं दोहराना, बस इतनी मैं रिक्वेस्ट करता हूं। बात आई इलेक्शन की, बात इलेक्शन इंशाल्लाह वक्त आएगा, वक्त दूर नहीं है जब पूरे मुल्क में इंतखाबात होंगे और आपकी पार्टी, गरीबों की पार्टी, मजदूरों की पार्टी, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी, असली पार्टी, पीपल्स पार्टी हर सीट पे, हर सीट पे पूरे मुल्क में हिस्सा लेगी। मगर अभी हमारा टेस्ट आ रहा है, हमारा टेस्ट आ रहा है। इंतखाबात करने का फैसला पार्टी का फैसला था, पार्टी के सेंट्रल कमेटी का फैसला था, उसके बाद आप लोगों ने भी इसकी हिमायत की और आपने देखा कि सरकारियों, सरकारी वाले अभी से घबरा गए हैं। कभी जज को कहते एक हफ्ता और दो, कभी सुप्रीम कोर्ट को कहते एक हफ्ता और दो, इतने घबरा गए थे कि हम सुन रहे थे वो उससे जाम माशूक से ठा करने के लिए तैयार थे कि बाबा तू ही रह जा, खरीद को ना आने दे, इस हद तक घबरा गए थे। मगर अभी हो रहे इलेक्शन। अच्छा, मेरी और खली की कभी कभी सोच भी हुई है, इसलिए मैं दोहराऊंगा बात, कि हम इलेक्शन में आ रहे हैं, हम अपनी
पुरमन उम्मीद और नियत आपको दिखा रहे जब से मैं वापस आया हूं, जब से जिया मरा है और हम लोग ने जब से जमहूरियत बहाल हुई है, हमने कहा भी झगड़े का वक्त खत्म हो गया है, लड़ाई का वक्त खत्म हो गया है, अभी आईन बहाल होगा, हम आईन के रह के तहत रह के हम जो भी कानूनी सियासत है हम कानूनी सियासत करने के लिए तैयार है, हम कानूनी सियासत करेंगे। वैसे भी खलीक ने भी अपना ख्याल का इजहार किया है, मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, एक बात कहूंगा सिंध के इंतजामिया को, सांगढ़ के इंतजामिया को कि हमारे रास्ते में रुकावट ना डालो, हम पूरा मन रहना चाहते हैं, मगर अगर तुमने रुकावट डाली, अगर तुमने जोर का मुजाहरा किया तो याद रखो हमसे बेहतर जोर इस्तेमाल करना कोई नहीं जानता है। मेहरबानी।